बिहार के लिए 9 अगस्त की तारीख और दिन मंगलवार सियासी तौर पर बहुत बड़ा दिन होने वाला है, जहां एक तरफ आरसीपी सिंह के जेडीयू से इस्तीफे के बाद प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है, दूसरी तरफ इस दिन सूबे की दो बड़ी पार्टियां आरजेडी और जेडीयू अपने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। सरकार और विपक्ष एक बैठक करेंगे, लेकिन एक साथ नहीं, वह भी अलग अलग। बताया जा रहा है कि इन दोनों दलों की बैठक से पहले बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी मीटिंग करने वाले हैं। इस बैठक से पहले नीतीश कुमार ने जेडीयू सांसदों की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि पार्टी के सभी सांसदों को सोमवार शाम तक राजधानी पटना पहुंचने के लिए निर्देश दिया गया है। हालांकि बैठक किस मुद्दे पर होगी, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। वहीं बिहार के सियासी हलाकों में इस बात की चर्चा है कि इस मीटिंग में बीजेपी का साथ गठबंधन को लेकर बातचीत हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के विधायक दल की बैठक में आरजेडी ने भी राबड़ी आवास पर बैठक बुलाई है। दोनों दलों के बैठक का दिन एक है, जिसकी वजह से बिहार के सियासी फिजा में ये बात तैरने लगी है कि क्या एनडीए की सरकार गिर जाए। वैसे तो बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जेडीयू के सभी विधायकों और विधान पार्षदों को जातीय गणना पर चर्चा के लिए बुलाया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जिस तरह से पिछले महीनों से टकराव के हालात बने हैं, उसे देखकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि बिहार में एनडीए सरकार गिर जाएगी, क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर दोबारा सरकार बनाएंगे। हालांकि जो इस वक्त बिहार सियासी घटनाक्रम हो रहा है, उससे तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद एनडीए से जेडीयू अलग हो जाए।